नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। झालावाड़ में राजस्थान में नई तकनीकी विभागों में दिव्यांग कार्मिक विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं, परंतु नियमानुसार इनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है। झालावाड़ के दिव्यांग पार्षद संजीव वर्मा को प्राप्त जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरण अनुसार मुकेश कुमार मीना कार्यालय सहायक अभियंता दौसा जयपुर डिस्कॉम में कार्यरत है, जिनको विकलांगता अधिकारों एवं नियमों के तहत पदोन्नति नहीं की जा रही है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की अवमानना हुई है। संजीव वर्मा ने बताया कि ऐसे कई दिव्यांग हैं जिनके ऐसे प्रकरण हैं और अधिकारों का हनन हुआ है, इसलिए यह प्रकरण मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं आयुक्त निशक्त जन के समक्ष ज्ञापन भेज कर सख्त कार्रवाई के लिए भेजा है। नमस्कार साथियों, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज कर मांग की है कि जो प्रदेश के जो दिव्यांगजन हैं, जो तकनीकी विभागों में कार्य कर रहे हैं, उनको उनके अधिकारों और नियमों के अनुरूप पदोन्नति दी जाए। कई डिपार्टमेंट्स में हमें ये शिकायतें मिली हैं कि दिव्यांगजन को उनके रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग पदोन्नति नहीं मिल रही है। इसी क्रम में दौसा के हमारे दिव्यांग भाई जो कि सहायक अभियंता हैं विद्युत वितरण में, उनकी ये शिकायत हमें मिली है कि उनका उनके कैडर के अकॉर्डिंग दिव्यांग अधिकार नियम के अकॉर्डिंग उनको पदोन्नति नहीं मिली है। और ऐसे कई प्रकरण हमारे पास प्रदेश में अभी उपलब्ध हैं। मेरी आयुक्त महोदय मुख्यमंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि इस प्रकरण को त्वरित गति से गंभीरता से लें और प्रदेश के जितने भी तकनीकी विभाग में दिव्यांगजन कार्य कर रहे हैं, उनको दिव्यांग अधिकार नियम 2016 की पालना सुनिश्चित करें और कठोरता से इस पर कार्रवाई करवाएँ। जय हिंद, जय भारत।